So, दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर अ लेटर टू गॉड की और मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश टीचर सुमित ठाकुर। तो लेटर टू गॉड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से ताकि एग्जामिनेशन बेस्ड आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए। हालांकि मैंने वीडियो पहले बना रखी है बट लेट मी मेक फ्रेश कॉन्टेंट एज वेल ताकि आप लोगों का भाई आप लोगों की सपोर्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है दोस्तों वो ये है कि लेंचो नाम का एक किसान था जिसकी फसल बर्बाद हो गई थी, तो फसल बर्बाद होने की वजह से उसने भगवान को लेटर लिखा था। तो क्वेश्चन आता है कि why did he write a letter to God? Why did Lencho write a letter to God? तो let me tell you, Lencho was a farmer who was expecting rain. उसे लग रहा था कि रेन से उसकी जो फसल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी and now he wants to make sure कि उसकी फसल अच्छी हो जाए। और जैसे ही बारिश आती है तो he was very much excited but soon the rain was converted into a heavy hailstorm. Heavy लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, into a hailstorm. Hailstorm heavy होता है, ठीक है। तो अब उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी फसल पे जैसे मानो एक वाइट शीट कवर कर जाती है और अब वो बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन उसे फेथ था भगवान पे एंड दैट इज द रीजन ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। तो उसने लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और बर्बाद होने की वजह से अब उसके पास कोई भी सहारा नहीं था भगवान के अलावा। उसे भगवान पे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे और इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिखा था। और भगवान को लेटर लिख के उसने भगवान से 100 पैसोस मांगे थे। पैसोस यहाँ पे करेंसी है, ठीक है। तो पैसोस मांगे थे ताकि वो अपनी हार्वेस्ट दोबारा से ग्रो कर सके और तब तक जब तक हार्वेस्ट नहीं आ जाती है तब तक वो अपनी फैमिली की गुजर बसर कर सके। दूसरे नंबर पे दोस्तों क्वेश्चन आता है कि लेंचो किस चीज की होप कर रहा था। तो लेंचो वाज होपिंग फॉर रेन। लेंचो किस चीज की होप कर रहा था? लेंचो वाज होपिंग फॉर रेन। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि रेन से उसकी फसल अच्छी हो जाएगी और उससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लेंचो ने रेन को न्यू कॉइन से कंपेयर क्यों किया था। व्हाई हैड लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स? तो इसका रीजन ये था क्योंकि जैसे ही रेन की ड्रॉप्स गिरती हैं तो छोटी वाली ड्रॉप उसे लगता है कि 5 सेंट के कॉइन्स हैं, बड़ी वाली ड्रॉप जो है वो 10 सेंट के कॉइन्स है। और ऐसा उसे इसलिए लग रहा था क्योंकि रेन से उसकी हार्वेस्ट अच्छी होगी, हार्वेस्ट से अच्छा पैसा आएगा, तो अल्टीमेटली जो रेन है वो उसके लिए पैसा लेके आएगी और वो इसीलिए उसको कॉइन से कंपेयर करता है। चौथे नंबर पे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि लेंचो ने जो लेटर लिखा था वो किसने पढ़ा था और उसका रिएक्शन क्या था। देखो पहले तो पोस्टमैन ने पढ़ा था, वो कंफ्यूज हो गया था कि यार इस लेटर को पोस्ट कहां करना है। जाता है पोस्टमास्टर के पास, पोस्टमास्टर जो था वो एक होल हार्टेड पर्सन था एंड दैट इज द रीजन पोस्टमास्टर स्टार्टेड लाफिंग, ठीक है, कि भाई ये किसने भगवान को लेटर लिख दिया। बट एज सून एज ही ओपन द लेटर ही रियलाइजेस कि यार ये बंदा जो है इसका भगवान पे कितना ज्यादा विश्वास है और उसने डिसाइड किया कि वो भगवान बन के यहाँ पे रिप्लाई करेगा लेंचो को। हाँ, एक और चीज, लेटर खोलने से पहले ही उसने डिसाइड कर लिया था, लेकिन जब उसने एनवेलप खोला लेटर पढ़ा तो वहां पे गुडनेस से ज्यादा कुछ चाहिए था एंड दैट वाज मनी, 100 पैसोस चाहिए थे। लेकिन स्टिल ही वाज फर्म और उसने डिसाइड किया कि वो हेल्प करेगा लेंचो की और इसीलिए उसने कोशिश करी, अपने सैलरी का एक हिस्सा कंट्रीब्यूट किया, अपने एम्प्लॉय से हेल्प मांगी, फ्रेंड से, रिलेटिव से, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी हेल्प मांगी और इस तरीके से वो 70 पैसोस इकट्ठा कर लेता है। पूरे नहीं कर पाता, 70 पैसोस करता है और उसको एनवेलप में डाल के लेंचो को रिप्लाई में भेज देता है। जब अगली बार लेंचो वहां पे आता है तो उसे तो पता ही था, वो तो श्योर था, उसे भगवान पे पूरा विश्वास था कि भाई भगवान मेरी हेल्प जरूर करेंगे। तो जैसे ही उसे लेटर मिलता है तो ही वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, ठीक है। लेकिन पोस्टमास्टर अपनी विंडो से देख रहा था एक ऐसे पर्सन को जिसके अंदर इतना ज्यादा फेथ है। लेकिन जैसे ही लेंचो ने लेटर को खोला एंड ही रीड्स और उसके बाद उसे वो 70 पैसोस मिले तो ही वाज अटरली डिसअपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि उसने भगवान से 100 पैसोस मांगे थे और उसे 70 पैसोस ही मिले और अगेन ही राइट्स अ लेटर जिसमें वो 30 पैसोस और मांगता है और भगवान को कहता है कि भगवान इस बार आप मुझे पोस्ट के थ्रू ये पैसे मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स मतलब एक धोखेबाजों की मंडली है और उन्होंने जो 30 पैसोस थे वो निकाल लिए। आपने पूरे भेजे थे लेकिन 30 पैसोस निकाल लिए तो इसीलिए आप मुझे किसी और रास्ते से पैसे भेजना। तो यहां पे अगर वैल्यू देखी जाए तो यह है फेथ कैन मूव माउंटेन। जैसे लेंचो के फेथ ने उसकी मदद करी है, लेकिन कई बार फेथ जो है जब बहुत ज्यादा आप एक्सट्रीम फेथ कर लेते हो किसी चीज पे तो वो आपको एक सही राह पे नहीं बल्कि गलत राह पे भी ले जाता है। दैट इज एक्चुअली ब्लाइंड फेथ, ठीक है। जो लेंचो के साथ हुआ, जिसने हेल्प करी वो उसी को यहाँ पे गलत मान रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। मेक श्योर आप अपने नोटबुक में नोट जरूर बना लो, नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने बोले, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाई हैड लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप विद कॉइन, ये सारे पास्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हैड आ रहा है, डिड आ रहा है, तो आंसर भी पास्ट में लिखा जाएगा। तो मेक श्योर आंसर राइटिंग में पास्ट में ही आंसर को लिखें, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करें, नॉन एक्शन में वॉज वर यूज करें जहां वर्ब ना आ रही हो। इसी तरीके से वीडियोस पाते रहने के लिए मेक श्योर दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।